जाति आधारित जनगणना कराने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल के ये फैसले की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अमित सुभानी ने बताया कि जाति आधारित जनगणना पर 500 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। इसका प्रावधान आकस्मिक निधि से किया जाएगा। जाति आधारित जनगणना के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके नोडल पदाधिकारी होंगे एवं इसके संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा और इस काम के लिए जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय जो अनुमानित है इसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। गणना के इस कार्य को फरवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रहेगा और जाति आधारित गणना की प्रगति से समय समय पर विधानसभा के विभिन्न दलों के नेताओं को अवगत कराया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली सहित अन्य 12 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। निर्वाचन संशोधन नियमावली के अनुसार चुनाव की अधिसूचना की तिथि तक ही मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकेंगे। के नियम 27(2) को संशोधन एवं बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 22 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत एक छोटा सा संशोधन इस नियमावली में किया गया। पूर्व में जो निर्वाचन की तिथि तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम निर्वाचक सूची में जोड़ सकता था, अब ये प्रावधान किया गया है कि जो जब निर्वाचन की अधिसूचना हो जाती है तो केवल अधिसूचना की तिथि तक ही वे अपना नाम जोड़ सकेंगे।